हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अंजीव सिंह एकेडमी में। हम बात करेंगे सैंपल पेपर के बारे में। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप सैंपल पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी कर दी। लेकिन जब मैं उस सैंपल पेपर को देख रहा हूं तो मेरे अंदर कई सारे कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं और मैं वो कन्फ्यूजन आपके साथ भी डिस्कस करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है आप में से किसी के पास उस कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन हो, तो प्लीज मुझे मैसेज करके बताइएगा कि क्या सॉल्यूशन है आपके पास उस कंफ्यूजन का। तो चलिए हम बात करते हैं अपने उस कंफ्यूजन के बारे में, जिस कंफ्यूजन को लेके मैं परेशान हो रहा हूं अभी। और मैं सोच रहा हूं कि आखिर ऐसा सीबीएसई कैसे कर सकती है, इस तरह के सैंपल पेपर कैसे दे सकती है सीबीएसई। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको अपना कंफ्यूजन दिखाता हूं। मैंने कई सारे सैंपल पेपर खोल के रखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह सैंपल क्वेश्चन पेपर 54, 21, 22 क्लास 10th साइंस का सैंपल पेपर है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि क्लास 10 साइंस का पेपर 80 मार्क्स का होता है, और सीबीएसई ने हमें यह बताया था कि टर्म 1 और टर्म 2 हाफ ऑफ सिलेबस डिवाइड हो जाएंगे। 40 मार्क्स का एग्जाम टर्म 1 में होगा, 40 मार्क्स का एग्जाम टर्म 2 में होगा। लेकिन जब मैं इस सैंपल पेपर को देखता हूं, इस सैंपल पेपर के सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस की हम बात करेंगे, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, मैं किसी और पार्ट में डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहां पर देखते हैं, सेक्शन ए में टोटल 24 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 क्वेश्चन बच्चे को सॉल्व करना है। सेक्शन बी में से 24 क्वेश्चन हैं, यहाँ भी 20 क्वेश्चन बच्चे को सॉल्व करना है। सेक्शन सी 12 क्वेश्चन हैं और यहाँ भी 10 क्वेश्चन बच्चे को सॉल्व करना है। अब मेरा कंफ्यूजन ये है कि ये 40 मार्क्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं नहीं लिखा, इन्होंने ये लिखा है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। मतलब कि अगर बच्चा 50 क्वेश्चन सॉल्व करता है और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स वेटेज के हैं, तो या तो यहां पे ये होना चाहिए कि ये हाफ मार्क्स के तो है नहीं, क्योंकि अगर हाफ मार्क्स के होते तो बच्चा 50 क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसके 25 नंबर लगेंगे, लगाने कितने हैं हमें 40 नंबर। अगर मैं अपने कैलकुलेटर को स्टार्ट करता हूं, अपने कंप्यूटर पे मैं एक बार कैलकुलेटर स्टार्ट कर लेता हूं, जो मेरा कंफ्यूजन है मैं उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। और मैं गलत हो सकता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं गलत हो सकता हूं, आप प्लीज रेक्टिफाई कीजिएगा मुझे कमेंट्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू। तो अगर मैं इस 40 क्वेश्चन को, मतलब 50 क्वेश्चन को 40 से डिवाइड कर दूं, मैं 50 डिवाइडेड बाय 40 कर देता हूं, क्योंकि 40 मार्क्स के एग्जाम होंगे। तो यहां पे देखा जाए तो 1.25 मार्क्स बैठ रहे हैं एक बच्चे का, यानी कि हर एक बच्चे को 1.25 मार्क्स दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को 1.25 मार्क्स ही दिया जाएगा एक क्वेश्चन का। तो ये मेरा डाउट है कि क्या सीबीएसई एमसीक्यू क्वेश्चंस के वेटेज 1.25 रख रही है या 1 मार्क्स का वेटेज रख रही है। तो मेरा एक कंफ्यूजन तो यहां पे ये था, पहली बात। दूसरा मेरा कंफ्यूजन आ रहा है जब हम आईपी के पेपर को देखते हैं, जब हम सीएस के पेपर को देखते हैं, मतलब सीएस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस को पेपर को देखते हैं। अब ये 25 नंबर का पेपर है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कंप्यूटर एप्लीकेशन 50-50 के साथ आसपास होते हैं, टोटल 50 थ्योरी 50 प्रैक्टिकल्स। तो इसके टर्म्स के सिलेबस को अगर डिवाइड किया जाए तो 25-25 मार्क्स के होंगे, और यहां भी मुझे वही देखने को मिल रहा है, 16 क्वेश्चन 32 और 8 40, यानी कि 25 नंबर के क्वेश्चंस में टोटल 40 क्वेश्चंस बच्चे को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए मैं इस 40 को 25 से डिवाइड करता हूं और देखता हूं कि बच्चे को एक क्वेश्चन का कितना, और यहां पे देखा जा रहा है कि बच्चे के 1.6 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब बच्चा अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसे 32 और 48, ठीक है, बच्चा अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसे 1.6 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये मेरा एक कंफ्यूजन अभी भी यहां पे सस्टेन कर रहा है। मतलब इक्वल वेटेज की मैं ढूंढ रहा हूं कि शायद हो सकता है एमसीक्यू पेपर है तो 1-1 मार्क्स के पेपर होने चाहिए, एक एक नंबर के होने चाहिए। अब जरा यहां आते हैं, ये आईपी क्लास 12 की बात कर रहा हूं, जो टोटल 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता था, बट इस बार ये दो भाग में बटेगा तो 35+35 होगा। 15 नंबर हमारे इंटरनल्स के जाएंगे, जो प्रैक्टिकल्स 30 नंबर के होते थे वो 15 नंबर के होंगे टर्म 1 में और 15 नंबर के होंगे टर्म 2 में। तो अब मेरा कंफ्यूजन है कि ये 35 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जब बच्चे से टोटल 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने की बात की जा रही है। आप देख सकते हो 20 क्वेश्चन सेक्शन ए से सॉल्व करना है, 20 क्वेश्चन सेक्शन बी से सॉल्व करना है और 5 क्वेश्चन सेक्शन सी से सॉल्व करना है। तो टोटल बन जाते हैं 45, यानी कि 45 क्वेश्चंस, ठीक है। अब 45 क्वेश्चंस को 35 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आइए मैं फिर से अपने कैलकुलेटर पे चलता हूं और एक बार देखता हूं इसे। मैंने 35 मार्क्स है हमारा और टोटल क्वेश्चंस हमने कितने सॉल्व करवाए, 45 सॉल्व करवाए, तो 45 डिवाइडेड बाय मैं 35 करता हूं, तो यहां पे वेटेज निकल के आ रहा है 1.28।
अगर मैं 28 को राउंड अप कर दूंगा, क्योंकि यहां पे 2857 आ रहा है, तो मैं अगर इसे राउंड अप कर दूंगा तो ये 29 हो जाएगा, एक और राउंड अप करूंगा तो ये 21.3 हो जाएगा। तो क्या बच्चों के मार्क्स 1.3, 1.6, 1.25 दिए जाएंगे या सीबीएसई के पास इसका कोई और जवाब है? अगर है तो शायद वो जवाब भी जल्द ही क्लियर करने चाहिए, क्योंकि ये कई बड़े, ये काफी बड़ा कंफ्यूजन है एक टीचर के लिए। एक टीचर की नजर से जब मैं इसे देखता हूं तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो हो सकता है और भी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। हो सकता है सीबीएसई के मन में कोई और प्लानिंग होगी इसके रिगार्डिंग, कोई और गाइडलाइंस आ सकते हैं, कोई और सर्कुलर्स आ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सीबीएसई ने कोई गलत डिसीजन लिया है या पेपर में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। बट मेरा कंफ्यूजन ये है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अगर हम एग्जाम ले रहे हैं बच्चों का तो हम उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो ये एक मेरा छोटा सा क्वेरी था, छोटा सा डाउट था। अगर आपके पास इस डाउट्स के सॉल्यूशन है तो प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।